अंदर पहले। किधर हो तुम लोग? किधर हो? हम पीछे खड़े हैं। बारे आ रहे बाहर आ रहे। अरे यहाँ पे अंदर तो घुसो। वो भी पीछे से आ गए हो? क्या है तो यही तो गली पूरी थी। मस्टैंग मस्टैंग आ गया हो गया हो गया क्यों? आ गया हो आ गया हो आ गया आ गया जब बहुत लेट है वो बहुत लेट है। आ रहे आ रहे आ रहे लीगल डाउन हो गए। वन गाय जंप टुवर्ड्स द राइट आई गेस। या वन गाय डाउन। ओके वन वन डाउन वन डाउन। आई नीड टू रिपेयर जल्दी आ गया। मेरी गार्ड डाउन है। ओके ऑल गुड। बे भाई डाउन 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 वन डाउन वन मोर बस 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 मजाटी गाइस मजाटी डाउन गाइस डाउन आई गेस नो नो डाउन डाउन टोटली देखो सीन यही है कि हमारा जो अब ब्रैम सिंह थे और वो जैक मोरल्स वो दोनों तो चले गए मेक्सिको। पेड्रो डी डब्ल्यू और अब्राहम गए मेक्सिको। अरे भाई था मेक्सिको कौन चलेगा यार आप वहां क्या रे खेती करेंगे वहां पे। वो अब्राहम कह रहा था बहुत यहां पे सर का भाई हो रहा है बहुत हो रहा है मेरे से नहीं हो रहा तो मैं जा रहा हूं तो वो चला गया था। तो हमारी तरफ से मतलब अभी हम जो है बच्चे हुए तो कुछ मतलब ऐसा सीन मुझे लग नहीं रहा है और जितना भी टाइम हमने आपके लिए वगैरह ये किया है कुछ गलती हो इन द पास्ट आपसे अगर कुछ शिकायत हो मैं तो मतलब आपको कुछ शिकायत हो हमसे तो यार मत करो भाई ऐसा और क्या ही कर सकते हैं यार। वही है ना कि कुछ है नहीं पता क्या बिजनेस भी हमने देखा बहुत ट्राई करा मिला हमें पर पार्टनरशिप में मिला हमारे चॉप शॉप भी हमने बात करी थी ना बिना लड़े भी मिल गया वो ये काफी ट्राई किया काफी सीन्स हुए हैं काफी यादें भाई। अब तुम सब जा रहे हो भाई मेक्सिको? नहीं हम सोच रहे हैं पर गैंग में मेक्सिको नहीं जा रहे हम लोग बस संन्यास ले ले वागोस को अलविदा कह रहे हैं। वागोस का साथ बहुत अच्छा गुजरा हमारा तो गुजरा ही आप लोगों का आपस में गुजरा शुरुआत ही मेरी वही से हमारा तो शुरुआत हुआ तो जब सब खत्म होने को लग गया इस्तेमाल कर रहे थे हमारे किसी काम की नहीं अभी है। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं ये चीजें बिलोंग करती है वागोस की और अगर हम वागोस से अलविदा कह रहे हैं तो ये चीजें भी वागोस जहाँ से शुरुआत हुई वागोस की वही पे जानी चाहिए हमारे नजरिए वागोस का हमने पहले था वागोस में मैं और जैकलिन शुरू से थे पर ये सीन हुआ कि फिर हमें कोई चाहिए था बंदा जो हमें जो लीड वगैरह करे तो उस वक्त तुम आए थे और तुमने करा था सब कुछ हमें फिर से रिफॉर्म हुई जब हमारे पास ये था कि तुम हमारे से जब तक तुम थे तब वो था वर्ड लू हैंड ओवर कर दो उनको सब ये बैग पकड़ो बैग लेकिन अरे ब्रीफ के बैग पकड़ने वाला सामान सीधा जेब में भर दो ना ब्रीफ केस के पेपर वर्क वगैरह वगैरह जो अरे भाई जे अरे अबे जे पास काम था 3 लाख रुपए नहीं मैंने रख दिया नोट रख के निकाल के बाहर अरे मैं डब्बे में डाल दिया तुमने हां डब्बे में डाल दिया जुगाड़ अच्छा था वाला डब्बे वाला
गैंग फंड था पिछला, वो आपको गैंग फंड तो हम यूज नहीं कर सकते ना, तो आपको वापस दे दिया। नहीं परमा नहीं कर रहा ब्रो, नहीं पर्सनल पैसा दे रहा हूं क्या तुम? नहीं पर्सनल पैसा नहीं है ये, गैंग फंड है, उठा लेना। वही 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 पर्सनल पैसा नहीं है ये, बस गैंग फंड है ये, पैसा और सामान भी है अभी। पिल्लू भाई वागोस के नाम पे, मतलब वागोस के लिए जो जो भी प्रॉपर्टीज ली गई है ना वो वापस, जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है वो वापस नहीं हो रही है, बस वागोस के लिए जो जो प्रॉपर्टीज ली गई है वो वापस। हम पर्सनल भी दे रहे हैं, हम पर्सनल भी दे रहे हैं। थ्री चलो लेट्स गो, टू वन करो, चलो भैया गो। अरे 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 भाई किली चुम्मी किस रे भी, वन लास्ट टाइम वागोस ओपी। तुम जो लड़ने की बात कर रहे हो ना वो गन बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है वो, क्योंकि लाइक मैं ही लड़ता था उस बंदे से जिसके पास वो गन थी, तो उस बंदे को मैंने चार पांच हैवी मार दी और वो बंदा आया, एक स्प्रे मारा मैं डाउन, और फिर बाद में मैं उठा, मेरे को ले गया वो, उठाया और बाद में मैं बोला तू मरा कैसे नहीं जबकि मैंने इतना मारा तेरे को, तो बोलता है कि ये देख इसका कमाल है, और मैंने बोला ये तेरे पास आई कैसे, तो बोला जीतने वाली पार्टी के पास आई थी, हारने वाली पार्टी के पास थोड़ी ना, तो वही है। और जहाँ तक लाइक उसने मेरे को नाम बताया और मेरे को भी लाइक गन्स के बारे में बहुत सारे आइडियाज है, क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ पे लाइक मैं खुद बनाता था गन्स, तो बात वही है कि उस गन का नाम उजी था। नहीं गन का नाम था हमें पता है क्या नाम था। अच्छा सो वही है गन्स उसी थी उनके हाथ में, तो मेरे को भी वही है कि गन्स चाहिए थी वो, अगर तुम्हारे पास आती है इसको लेके। अरे वो तो मैं तुम्हें दूंगा, जे गन्स का तो कोई सीन नहीं, इससे भी बेटर गन्स बन रही है जो जल्दी आने वाली। तो देखो फिलहाल के लिए लाइक हम उनसे वॉर नहीं लड़ सकते, बिकॉज अभी तुमको भी पता है कि हम उनसे हार गए थे फाइट। हाँ तो लाइक लास्ट वॉर तो लाइक नई गन्स की वजह से हारे थे, और आगे हमारे बंदे लाइक फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने बिजनेस में, सो लाइक हमने उनको बोला कि फिलहाल के लिए तो हम लाइक कुछ अमाउंट दे के सरेंडर कर रहे। तो फिर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दे सकते हो, लाइक अगर वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो तब भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लाइक क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें कि वो गन्स कहाँ से आ रही है? हाँ, वो गन्स किसके पास है? देखो गन्स का तो मैंने जितने से मिले ना सबने पॉइंट ऑफ बालास से करा, तो वो तो कंफर्म हो गया कि बालास के पास ही गन्स है, बट बालास ने किससे लिए? बस एक ही चीज बोलूंगा मैं, उस बंदे का नाम बता सकता हूँ जिसने मेरे को गन्स दिखाई थी, और मैं उसके मुंह पे बोल सकता हूँ, लाइक तुम मेरे को खड़ा करोगे तो मैं खड़ा भी होने को तैयार हूं। क्या नाम था? रैफी। बस मेरे को एक चीज पता चली है, मैं उतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ अभी के लिए फिलहाल। देखो मैं इन फ्यूचर होप सो मेरी डील हो जाए उनसे, बट कुछ नए बंदे हैं या पुराने बंदे आई डोंट नो, वो ऐसे बंदे हैं जो लाइक चिट्ठी डाल के बातें करते हैं, और वो बोलते भी नहीं है और वही डील कर रहे हैं, और कुछ वो कुछ अमाउंट है जिसमें वो डील कर रहे हैं, मतलब गन्स वो कुछ अमाउंट में दे रहे हैं, लाइक ना ज्यादा दे रहे ना कम दे रहे, इतना दे रहे कि दो वार का हो जाए। अच्छा बस मेरे को इतना ही पता चला है। तो मिलो उनसे, मैं होप सो मिल पाऊं, बट अभी तक नहीं हो पाया। क्या है ना कि मैंने यार थोड़ा खुद ही पता लगा लिया मेरे सोर्सेस से। क्या पता लगाया बताओ? माइक्रो के वगैरह में, लाइक तुमको पता है मैंने कार्टर्स तो छोड़ दी, कार्टर्स में जितने बंदे थे मेरे बारे में कुछ आइडिया है नहीं अभी, तो मैंने कॉल किया था हावीर को उस जिस दिन फाइट हुई थी, जिस दिन हमने सरेंडर किया था, और उसको मैंने बोला कि बालास के पास नई गन्स आई है जी वगैरह, तो तेरे को कुछ पता है क्या लाइक गन्स कहाँ से आ रही है नहीं आ रही है? उसने मेरे को बोला थोड़ा टाइम दे वो मेरे को बताएगा, और उसी दिन रात को उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, लाइक वो बोल रहा था मैं अभी बालास के हुड पे ही खड़ा हूँ, और हाँ बालास को उसी मिली है नई वाली,
एंड इतना उसने मेरे को बोला कि कोई एक बंदा आता है मास्क वगैरह पहन के, प्राइवेट नंबर से कॉल करता है एंड वो देता है गन्स, ये नई गन जो है उसका, मद्राजो को मद्रासा को नहीं बालास बालास को? को, बट ओके आई इट ओके वाज काइंड ऑफ लाइक वियर्ड, क्योंकि उस टाइम वो लोग भी उधर ही करे थे यार, लाइक मद्रासा भी बालास के हुक पे थी, बोल रहा था मैं बालास के हुक पे हूँ, नई गन्स के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। मतलब तो मद्रासा को भी पता है इसके बारे में? ये मद्रासा आई डोंट नो हाउ दे आर गेटिंग इन्वॉल्व, बट उसने बोला मद्रासा कि इन्वॉल्व हाँ, है इस सब में? हाँ, वही क्योंकि अगर वो इतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो, और वो उसके हुड पे जाके खड़ा होके बात बता रहा है तुम्हें, तो हाँ, इन्वॉल्व मेरे है को वो। बता रहा है लाइक उनको एक्चुअली मेरे पे पूरा ट्रस्ट है, बट मैं उनका कुछ लाइक पहली बात मेरे को पूरा खुन्नस चढ़ा हुआ कि मैं उनको किसी भी तरह भिगा दूँ। तुम लोगों ने सरेंडर क्यों करा, ऑक्सी छोड़ी क्यों? वही ना, वही वो गन्स की वजह से, ये कितने क्योंकि राउंड्स तक चलती है वो? 13 राउंड लाइक वो 13 मेरे बंदों ने जितना बोला वो और गए थे, 13 में एक डाउन हो जाता है, और वो 13 राउंड बहुत तेजी से निकलते हैं एकदम, बहुत ही तेजी से लाइक एपी से ज्यादा स्पीड से निकलती है ना। उसको मतलब बता तेरे दे जो को अभी ना हम जिससे मिलकर आए, बाकी उनके मैं बात कर हेलो लूंगा। व्हाट इज दिस? कहाँ हूँ ये बताओ, अभी लगाओ ना मेंशन है ना, रिड्यूसर आ रहा है नाइट में। हेलो व्हाट अबाउट आवर ऑडियंस? अबे रेडियो पे क्लियर कर रही हूँ, एक सेकंड रुक जा, नेट पे। रेडियो पे रेडियो पे रेडियो पे हाँ हाँ बोल। माय नेम इज नो मैन। अरे वो जीरे किधर आ रही है, उनसे बात कर रहा है। टेक ओवर द बिजनेस, तुम्हें पता है? हाँ हाँ तुझे मद्रासो दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है, दिख तो रही है लेकिन साथ नहीं दिख रही। मद्रासो बहुत हैवी क्वांटिटी में एमोस बाय कर रही है, पता है तुम्हें? और वो बालास को दे रही है, ठीक है? तो जो वो एमओ जिससे ले रही है, पता किससे ले रही है? किससे? उसका नाम है नोमैड। मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो नोमैड है? यस। नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, दे रहे नहीं, हैं नेटिंग सुनो उसका सुनो। खास है। अच्छा ओके कि उसने बोला है कि मद्रासो गंग के बिजनेस में है। क्या? चलो बात कर रे एंड जैक के लिए गाना आ रहा है। एंड सबसे मजे की बात उसने हाँ बोला हाँ। है कि उसको ये नहीं पता था भी ये सीन भी लड़की भी है, तो उसने बोला कि अभी क्या है कि उसमें कोई लड़की डील करती है जो भी जो। लेट्स गो। हाँ तो ये तो उसने मुझे पूछा कि तूने पता कर भी कभी कोई लड़की थी मद्रासों में? मैंने बोला हाँ, बाला जो लेती है एमओ हाँ। उससे ले रही है, मद्रासों से ले रही है, ठीक है? हाँ। और नोमैड दे रहा है, तो बाला को अगर वो गन्स दे रहा है तो एमओ भी तो सीधा प्रोवाइड कर सकता था ना, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो गन्स मद्रासों के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने उसको ना एक्चुअली बताया नहीं है पूरी रे के बारे में, क्योंकि उसने मुझे पता क्या बोला है कि मैं तुम्हें ना नोमैड ला के दूंगा, तुम मुझे दो इन्फॉर्मेशन दो, एक तो मद्रासों कहाँ रहती है कहता मैं उस पर नजर रखूंगा, दूसरा कहता भी मद्रासों में कौन लड़की है उसका मुझे पता करके दो, मैं उस पर भी नजर रखूंगा। अरे बस उसके बारे में मैंने अभी उसको बताया नहीं है। बता दो। अरे जरूरी नहीं है रे भी हो, हावियर बहुत लड़कियों से घूमते, एक बार हावियर पर नजर रखो बट थोड़ा, हावियर पसंद है आएगा। ना हावियर सिर्फ एक लड़की पे टच करता है, वो रही है। हाँ वो रही। तो अगर नॉर्मेट हमें नहीं मिलता बाय चांस तो सेकंड ऑप्शन हमारा फिर मद्रास ही है। क्या 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 ये लोग नए कैली कार्टल करके कुछ गैंग बना रहे हैं, इनको गन्स चाहिए थी। क्या गन्स चाहिए थी? हाँ मेरा ये कुछ फ्रेंड्स थे जीएसएफ में टाइप ना, तो उनसे मैंने काली काटा था गंज वगैरह का, तो इनमें से एक बंदा था मतलब इस हैदर, हाँ। तो वो मेरे को एक और दे रहा था गंज, लेकिन और उसका नाम मोजी विल्सन है। ओके ओके, तो तुम गंज के लिए किसके जीएसएफ के पास गए थे? अरे जीएसएफ के पास गए नहीं थे, उनसे एक बंदे से मैंने बात की थी। ओके okay. अगर है कोई बंदा डीलर बोलता है कि मैं ही तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा तो ये रेट्स हैं, ये बोलो ये वो। देखो गन्स हम बनाते हैं, ठीक है? बट यार मुझे ये बताओ, तुम्हें कभी पहले देखा नहीं है, लाइक तुम एकदम से लाइक करना क्या चाहते हो जो तुम्हें गन्स चाहिए? हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा बिजनेस अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी तरीके से। तो लाइक अभी कैसा बात बिजनेस कर रहे करना हैं, चाहते कैसा बिजनेस? एज अ कार्टेल ब्लैक बिजनेस ही करना चाहते हैं, तो
पहले तो वो हमारा थोड़ा था स्मोगन वीड पे, बट वहाँ पे किसी का है नहीं, तो हमने कहा कि ये सब वालों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी उनसे हुई नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए हम, तो बातचीत करके उनके साथ वीट पे जाएंगे, एडवांस में भेज देंगे वापस। अच्छा 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 तो वीट फॉर्म बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा तुम्हें पता है वीट फॉर्म किसका है? हां पता है मेरे को। आपका किसका? हां तो तुम कैसे होल्ड करोगे? अरे जीएसएफ के साथ अगर उनको आपने दिया हुआ ना संभालने के लिए, तो मीटिंग करेंगे उन लोगों के साथ या आप लोगों को कहेंगे बात करके, तो साथ में धंधा वगैरह। अच्छा साथ में करना चाहते हैं।